सबसे पहले तो ये था कि फिल्में करते रहता हूँ, तो एक दिन एक फोन आया, कहा कि सर हम एक फिल्म बना रहे हैं, टाइटल है क्रेजी लम्हे, और इसके अंदर एक हैप्पी गो लकी एक फादर का कैरेक्टर है, जो कि मैं नेचुरली आई एम अ वेरी हैप्पी गो लकी पर्सन, तो मैं उसी तरह से हूँ। तो मैं जाकर एक ऑडिशन दिया, बोला ऑडिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑडिशन मैंने बोला आप ले लीजिए, कह रहा था आपके रिकॉर्ड्स के लिए भी। तो उन्होंने तभी फाइनल कर दिया, बोले सर आप साइन कर दीजिए और हम आपके साथ परसों से शूट कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ आई गॉट द फिल्म। और इस फिल्म के अंदर मुझे पर्सनली बहुत 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 मजा आया शूटिंग करने, क्योंकि एक तो हम गए थे आउट ऑफ बॉम्बे, तो थोड़ा सा एक वो क्रेजीपन भी था शूटिंग के दौरान, और हमारे डायरेक्टर साहब और हमारी जो पूरी टीम थी, दैट वाज एक्सीलेंट, बहुत मजा आया शूटिंग करते वक्त, क्योंकि हंसी मजाक चल रहा था। बेसिकली ये जो फिल्म है ये भी एक बेसिकली एक रोम कॉम है, रोम कॉम विद द न्यू जनरेशन, जो नया जनरेशन, जो नई पीढ़ी हमारी आई है, वो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, और हम हमेशा कहते हैं कि नई और पुरानी पीढ़ी में हमेशा एक फर्क रहा है। तो ये फिल्म्स के दौरान हमें ये भी पता चलता है कि फर्क है, लेकिन इतना फर्क नहीं है जो कि लोग इस तरह से बातें करें कि नई पीढ़ी आजकल पुराने लोगों को नहीं समझती या उनके संस्कारों को एक्सेप्ट नहीं करती। आई डो नॉट बिलीव दैट, संस्कार अपनी जगह है, आप जैसा बोगे ऐसा ही पाओगे। सो इस फिल्म के माध्यम से ऑडियंस को ये एक मैसेज जाता है कि हमारी जो नई जनरेशन है वो कितनी फॉरवर्ड है, और उस फॉरवर्ड लेंथ के आगे आने के बावजूद भी सक्सेसफुल लोग आज यहीं पे होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट क्रेजी लव। किरदार की अगर बात करूं तो काफी कॉमिक नजर आ रहा है जिस तरह से हमने हाँ, देखा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हैप्पी गो लकी कैरेक्टर है, जो हैंडपैक्ड हस्बैंड जैसे कहते हैं कि भाई अच्छा खासा बिजनेस है, पैसे वाला है, लेकिन घर पे आके, जैसे हर घर में हर पति होता है जो मतलब बीवी से डर के रहता है, ज्यादा मतलब थोड़ा सा हैंडपैक्ड रहता है कि भाई ठीक है भाई, बीवी ने बोल दिया तो इसके आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो कि अभी लोग यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये सभी के घर में यही होता है, आई नो दैट। तो ये इस तरह का किरदार है, और लड़के के साथ बिल्कुल एक फ्रेंडशिप रिलेशन जैसा है, जहाँ पर लड़का है लेकिन हम दोनों एक दोस्त के जैसे हैं। डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं वो संस्कृति और वो इसकी सीमाएं जरूर हैं, वो फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इट इज ऑल अबाउट दैट। ओवरऑल फिल्म की अगर जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई थी तो फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या था, क्या आप सर, फर्स्ट थॉट जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई गई, मुझे पर्सनली ये लगा कि ये फिल्म जैसे नॉर्मल फिल्म्स रहती है उस तरह से थोड़ी सी हटके है, मतलब हटके इन द सेंस, मैं ये नहीं कहूंगा समथिंग वेरी स्पेशल और वेरी दिस, चीजें ये हैं कि चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में जो होती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग फेस करते हैं वही है, लेकिन इसको किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है वो एक चीज देखने जैसी है। हमारे डायरेक्टर साहब दिलखुश जी, जो हिसाब से इन्होंने जिस स्क्रिप्ट को लेकर, जो इन्होंने कैमरा वर्क के साथ जो इसको स्क्रीन पर उतारा है, दैट इज एक्सीलेंट। जिस तरीके से उसको सीन्स को दर्शाया गया है, जिस तरीके से पोजिशनिंग्स दी गई है, जिस तरह से डायलॉग्स हुए हैं, दैट इज समथिंग वेरी एक्साइटिंग, आपको मजा आएगा देखने के लिए। इस तरह की फिल्मों के प्रोड्यूसर ज्यादातर पावरफुल नहीं होते, लेकिन आप जिस तरह से क्रेजी लैब में कंप्लीट हुई है, तो प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना सहयोग मिला आपको उनके? सर यूज एक्सीलेंट जेंटलमैन मिस्टर मनीष पटेल एंड ग्रुप, एक्सीलेंट पीपल टू वर्क विद, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और बीइंग अ गुजराती, मैं खुद भी एक गुजराती हूँ, सो एक मिक्सिंग नेचर तो हम लोगों में पहले से होता है, बट आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मैं यही अपेक्षा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि ऐसी छोटी छोटी फिल्मों से ही आदमी आगे बढ़ता है, और आई विश हिम ऑल द गुड विशेज एंड ऑल द बेस्ट इन लाइफ, और मुझे लगता है कि दिस फिल्म विल डेफिनेटली डू वेल फॉर श्योर। टाइटल अपने स्क्रिप्ट के साथ कितना जस्टिस करता है? मेरे हिसाब से टाइटल एकदम परफेक्ट जाता है इसके साथ, क्रेजी लम्हे, ये वो लम्हे हैं जहां पर आप जब थिएटर में आओगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि आप अपने जवानी के दिनों में क्या क्या मिस करते थे। एक्चुअली कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ आपके अंदर होती हैं, जो सिर्फ आपको पता है। अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं एक अच्छा इंसान हूं कि नहीं, अगर मैं ये आपसे पूछता हूं, लेकिन इट इज बेटर अगर ये सवाल मैं अपने आप से पूछूं, आई विल गेट द आंसर, तो इट इज दैट वे। सो ये क्रेजी लम्हे, वो क्रेजीपन, वो चीजें जो आप जवानी के दिनों में मिस कर चुके हैं, इसको वापस से इस स्क्रिप्ट के दौरान रिवील की जाती हैं, एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग, बहुत मजा आएगा। फाइनली ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे सर?
बस ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज आपके आसपास के सिनेमा घरों में जाकर ये फिल्म को जरूर देखें एक बार, एंड अगर पसंद आए तो एक बार हमें कहीं ना कहीं पसंद जरूर कीजिएगा, और उस तरीके से उस माध्यम से हमें भी ये पता चल जाएगा कि चाहे हमारे यहाँ पर सिर्फ बिग बिग बैनर्स की फिल्में ही नहीं देखी जाती, मुझे पर्सनल लेवल पर यह लगता है कि फिल्में वो चलनी चाहिए या वो चलती हैं जिसकी स्क्रिप्ट पावरफुल हो। मतलब आज बड़े 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 फिल्में, बड़ी बड़ी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ छोटे एक्टर्स भी हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट जिस तरीके से उसको डायरेक्ट किया जाता है, जिस तरीके से उसको ऑडियंस के सामने पेश किया जाता है, दैट शुड बी इन अ यूनिक वे। एंड आई पर्सनली फील कि भाई यही हमारे फिल्म के अंदर खास बात है कि आप लोग प्लीज आए और इस फिल्म को देखें, उसे सराहें और बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। किरदार तो इस कैरेक्टर का जो नाम है वो विशाल है, और नाम विशाल है लेकिन कोई किरदार बहुत बड़ा विशाल नहीं है, ना उसने कोई विशाल काम किया है उसमें। बस कुछ चीज़ें जो है उसकी ज़िंदगी की, यह है कि अगर हमारे शिक्षक गण कहीं किसी तरीके से अगर गलत रास्ते पे जाते हैं, कहीं लाइफ में बहुत तमाम तरीके के कुछ डाइवर्जन रहते हैं, तो उनको वापस ट्रैक पे लाने का काम भी उनके अपने प्रियजनों का, उनके अपने स्टूडेंट्स का होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी तरीके का करेक्टर है जो कहीं पे एक प्रोटेगनिस्ट का रोल करता है। फर्स्ट थॉट ये था कि मेरे लिए किसी भी नए प्रोड्यूसर नए डायरेक्टर के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि आज बेशक टेलीविजन करता है लेकिन टेलीविजन आज बहुत ऊपर जा चुका है, काफ़ी बड़े पैमाने हैं। तो मुझे ये था कि अगर कोई इस तरीके से कोशिश कर रहा है तो मुकेश मिश्रा जी जो इसके अंदर हैं, जिन्होंने सारा कारोबार संभाला इस फिल्म का, तो मुझे लगा कि वो एक प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए उनको सपोर्ट करना चाहिए, एक हेल्प करनी चाहिए। और क्योंकि मैं शुरू से ही रंगमंच और अभिनय से काफ़ी जुड़ा रहा, तो मुझे इनिशियली ऐसा कुछ लगा नहीं कि इसमें कुछ अभिनय वाली बात होगी, लेकिन मुझे ये लगा कि नहीं, अगर कोई पहल कर रहा है तो उस तरीके से मुझे थोड़ा सा इनिशिएटिव अपनी तरफ से भी देना चाहिए। फिल्म के अगर स्टोरी बोर्ड की बात करूं कितना पावरफुल है और किरदार के हिसाब से अगर बात करूं तो कितना जस्टिस करता है, ये मुझे लगता है ये ऑडियंस डिसाइड करेगी किसी भी चीज़ के लिए। अभी तो बहुत इनिशियल लेवल पे है, पोस्ट प्रोडक्शन भी काफ़ी बचा है, तमाम चीज़ें बेहतर भी होती हैं बाद में, और बट मेरे हिसाब से ये है कि ये ऑडियंस डिसाइड करेगी, क्योंकि सब चीज़ें आज की तारीख में नगद नारायण पे डिपेंड करती हैं, बॉक्स ऑफिस कॉरपोरेट तमाम चीज़ें, बहुत बड़ी बड़े वर्ड्स हैं ये आज की तारीख में। तो मेरे हिसाब से और मेरी समझ से ऑडियंस इस चीज़ को डिसाइड करेगी, अपना काम था काम करना वो अपन ने किया। म्यूज़िक बहुत कमाल है, म्यूज़िक के लिए मतलब मैं शायद जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, और है जो फुर्सत एक गाना है जो शान ने गाया है और उसके लिरिक्स भी बड़े कमाल हैं, बहुत बहुत बेहतरीन सॉन्ग है, और उसको मैंने इस पूरे फिल्म में सबसे ज्यादा एंजॉय किया। आपके हिसाब से फिल्म की यूएसपी पॉइंट क्या होगा, स्कोरिंग, स्टोरी बोर्ड, डायरेक्शन, एक्टर, म्यूजिक, एक कोई खास वजह फिल्म की? खास वजह है जो फुर्सत गाना बहुत खूब है, बहुत खूब अच्छा लिखा है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द लिरिक्स पार्ट आई वुड रादर से द वे दे हैव कंपोज्ड इट, और उसकी कोरियोग्राफी भी अच्छी की है डेविड ने, तो आई थिंक वो एक है कि लगता है कि नहीं यार अच्छा है। ऑडियंस से यही कहना चाहेंगे कि आप सर्वशक्तिशाली हैं, आपके हाथ में हर चीज़ की लगाम होती है, तो लगाम जिस हिसाब से खींची जाएगी, चाहे वो एक्टर हो चाहे डायरेक्टर, वो लोग उस तरीके से आगे दौड़ेंगे भागेंगे। So in my opinion, just everything is in hand of audience, and I really hats off them, and I really want them to accept me, be it in this film or the other one. Just wait and watch. Okay, thank you so much. Thank you.